अच्छा भाई साहब, हम सभी आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप इन्हें लेने के लिए गए थे। बस भी कीजिए, हमारे बच्चे को परेशान मत कीजिए। मेहमानों ने काफी इंतजार कर लिया, अब केक काट ले। आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सबसे पहले तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। आप सबको हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा और आज हमारे जन्मदिन पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हमारी दादी से और हमारे परिवार के लोग जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। हम आस्था से शादी करें, हम आस्था से शादी करें। देखा कैसे शर्मा गई। हम आस्था से शादी कर, 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 हम आस्था से शादी कर। Everybody, cake cut gaya, so let's all enjoy the party. Kanak beta, आखिर वो हो ही गया जो हम चाहते थे। अर्जुन के दिमाग से उस नागिन अमृता की परछाई हमेशा के लिए हट गई। इस रिश्ते के बाद अमृता का ना इस घर से कोई संबंध होगा ना अर्जुन से। आज हम बहुत खुश हैं कनक, बहुत खुश हैं। किस्मत पर छोड़ देने चाहिए, किस्मत पर छोड़ देने चाहिए। क्या तमाशा ये सब, क्या तमाशा ये सब। आपको हमारा प्यार तमाशा लगता है, हमारा प्यार तमाशा लगता है। अब क्या ना क्या चाहते हैं, यही कैसे महसूस किया जाए, कैसे महसूस किया जाए। लेकिन अगर आप चाहती हैं, लेकिन अगर आप कि हम इसे अपनी जबान से बयान करें तो हम आपसे प्यार करें, तो हम आपसे प्यार। दरअसल अर्जुन, दरअसल हमने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया, समझ कर एक फैसला लिया है। आप ही वो इंसान है, आप ही वो इंसान है जिसके साथ हम अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। मतलब 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 आप, हाँ जी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। आज से कन्या आपके परिवार की सदस्य हो गई, परिवार की सदस्य हो गई। आप हमसे, आप हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। और भरोसा, भरोसा अपनी किस्मत से भी ज्यादा, अपनी किस्मत। लेकिन अर्जुन, बस अब निकल, बस अब निकल, बस अब निकल। हम अपने फैसले पे अटल हैं, फैसले पे अटल हैं। आज से हम आपके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं, सारे रिश्ते तोड़ते हैं। आज से आप हमारी पत्नी नहीं है अमृता, पत्नी नहीं है अमृता, पत्नी नहीं है अमृता।
किस घर से सारे रिश्ते खत्म हो गए, चले चाहिए इस घर से, चाहिए इस घर से। अचानक हमें यह महसूस हुआ कि सारे फैसले हम खुद नहीं ले सकते, इसलिए पूछने चला है क्या आप इस शादी से खुश हैं? आप इस शादी से खुश हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अर्जुन, खास तौर पर हमें। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी खुशी किसमें है। हमारी खुशी हमें बहुत सारा गम दे गई आस्था, इसलिए अब हमें खुशी से डर लगता है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी दादी से आइए ना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी साहब। कुछ ना हो वो ही अच्छा है, और इससे पहले कि कुछ हो हमने तय कर लिया है कि हम कल ही आप दोनों की मंगनी कर देंगे। आस्था बेटा यहाँ ये हमारा पुश्तैनी हार है, कल सगाई भी आपको यही हार पहनना है। इस हार को पहनने का मतलब ये है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गई हैं। अरे अर्जुन बेटा, कनक कहाँ है? कल सगाई है, इतने सारे काम सर पर है और वो दिखाई नहीं दे रही है, जरा देखो ना बेटा। हम अभी देखते हैं। आस्था बेटा, खुश रहे। हम गलत थे। आप आज भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। आज आपने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम जीत गए अर्जुन, हमारा प्यार जीत गया, जीत गया।
अरे सुनिए, अजीब औरत है, पता नहीं ये नाकाशी के चक्कर में क्या क्या करना पड़ेगा। चारिका ने तो कहा था इसी के पास है। आप कौन है? आप जी वो मैं हाँ वो आप बेहोश हो गई थी ना तो मैं आपको उठाकर यहाँ तक ले आया। आपको होश में लाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। आप तो हमारे जीवन में फरिश्ता बनकर आए हैं। आप ही के लिए तो हम जिंदा हैं। अब हमारे कहने का मतलब है कि आप ही के कारण तो हम जिंदा हैं। आप कितने अच्छे हैं और ताकतवर भी। अकेले हमें वहां से यहाँ उठाकर लाए। एक बात बताइए आप आए कहां से? क्यों आए हैं? जी वो और यहां कब तक रहने का प्रोग्राम है? ये क्या कर रही हैं आप? यही तो है वो जिससे शादी करके हम हमेशा सुखी रहेंगे। पर इस बार हम समझदारी से काम लेंगे ताकि पिछली बार की तरह हमें प्यार में धोखा ना हो। पहले हम इन्हें परखेंगे कि हमसे प्यार करते भी हैं कि नहीं और उसके बाद रिश्ता जोड़ेंगे। और इन्हें परखने के लिए हमारी मदद करेंगी रिश्तों और प्यार की सबसे अच्छी समझ रखने वाली अमृता।
आप बहुत खुशनसीब हैं जो अर्जुन ने आपको पसंद किया, वरना कहां किसी के नसीब में इतने जेवर और इतने कपड़े होते। आइए दादी से। स्नेहा बेटा ये लीजिए, अपनी देरानी को अपने हाथ से ये पुश्तैनी हार पहनाइए। कितनी खूबसूरत लग रही है आस्था। लाइए स्नेहा, हम खुद ही अपने हाथ से पहना देते हैं। आस्था बेटा इसे उतार दीजिए, आज आपकी जिंदगी में एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, उसमें ये पुराना गहना नहीं पहनते बेटा। ये कवच कैसे उतार सकते हैं हम? इसे उतारते ही हमारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। क्या सोच रही हैं आप, उतार दीजिए इसे। नहीं वो दादी साहब, हम ये नहीं उतार सकते, ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है। ठीक है बेटा, लेकिन इसे बाद में पहन लीजिएगा। नहीं वो दादी साहब। अरे आस्था ऐसी भी क्या जिद है, रस्म तो निभानी चाहिए ना। किस अपराध की सजा है साईनाथ, एक बार फिर अर्जुन को पाकर खोना नहीं चाहते। क्या हुआ कनक बेटा? लाइट कैसे चली गई? जोरावर, जोरावर यहाँ आइए, जरा देखिए तो लाइट को क्या हो गया, क्यों कैसे चली गई? हमें दीजिए, हम दूसरा लेकर आते हैं।
जो देखा वो फैन था या कौन है ये आस्था, और हमें इन पर शक क्यों हो रहा है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कनक, तुम बेकार ही शक कर रही हो आस्था पर। शक करने की वजह है हमारे पास। माता आप हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना हमें कनक, इतनी नफरत भी ठीक नहीं। इस घर में सभी आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपसे इस घर की खुशियां नहीं देखी जाती। हम जानते हैं कि आपकी दुश्मनी रुद्रा के साथ थी, तो वो भी नहीं रहे, फिर भी आप इस घर की खुशियों के आड़े आ रही हैं। हम इस घर की खुशियों के खिलाफ नहीं है मास, और आपके ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अगर हमारा शक सही है तो आस्था ही अमृता, हजार बार आपको समझाया है कि इस घर में अमृता का नाम कोई नहीं लेगा। नफरत करते हैं हम उसके नाम से, आस्था, आस्था अमृता नहीं हो सकती कनक। आज जिस बात के लिए आपने हमें थप्पड़ मारा है, कल वही बात एक भयानक हकीकत बनकर आपके सामने आएगी। हम जानते थे, कि इस घर में हमारा विश्वास कोई नहीं करेगा, लेकिन आप, भी हमारा विश्वास नहीं करेंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। कनक, जाइए अपने कमरे में। अब आस्था की हकीकत सामने लाए बग है। हम चैन नहीं, कनक को ऐसा क्यों लग रहा है कि आस्था ही अमृता है? लेकिन उस दिन अंबालिका भी तो कह रही थी कि अमृता इसी घर में है। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? क्यों? देखो ना कितने सुंदर बुक है। कितने सुंदर बुक है, पर इस पे कुछ लिखा क्यों नहीं है? अभी लिख कर देखता हूँ। लगता है मैजिकल बुक है। राहुल बेटा लाओ ये किताब हमें दे दो। आंटी आप एक दिन के लिए हमें ये बुक दोगे? हमें हमारे दोस्तों को दिखानी है। बेटा आप दोस्तों को दिखा कर क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल कोरी है। नहीं ये मैजिकल बुक है, जो भी लिखते हैं गायब हो जाते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ आंटी हम सच कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। अब लाइए ये किताब हमें दीजिए और आप बाहर जाकर खेलिए। जाइए। हमारे सवालों के जवाब इसी में है। शायद बच्चे सच ही कह रहे थे, जो दिखाई देता है इस पुस्तक में उससे कहीं ज्यादा है। शायद इसीलिए भाग्य बार बार हमें संकेत दे रहा है कि हमें जल्द से जल्द इस पुस्तक की गुत्थी सुलझानी होगी।
आइए कनक। ये क्या छुपा रही हैं हमें दिखाइए। नहीं कुछ नहीं बस किताब है। हमें पढ़नी थोड़ी ना है पर दिखाइए तो सही। ये निशान तो कनिष्क के शरीर पर था और कनिष्क अमृता का दोस्त था। शायद हमारा शक सही है। ये अमृता है या नहीं ये तो तांत्रिक बाबा ही पता लगा सकते हैं। पर उसके लिए हमें आस्था की कोई चीज वहां ले जानी होगी। अरे हम तो भूल ही गए। हम यहाँ आए थे आपकी ड्रेस देखने के लिए जो आप सगाई में पहनने वाले हैं। हमें दिखाइए ना। वो सगाई के कपड़े पहले नहीं पहनने चाहिए अशुभ माना जाता है। हम आपको ऐसे ही दिखा देते हैं। ये तो बहुत खूबसूरत है। बहुत सजेगी आपको। हम जल्दी हमें कुछ काम से। लगता है कनक को हम पर शक हो गया है। इससे पहले कि ये हमारी असलियत का पर्दाफाश कर दे हमें इन्हें रोकना होगा। मैजिकल पेन नहीं है। आस्था आंटी की बुक मैजिकल है। बच्चों आप लोग कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे थे? वही जो आस्था आंटी के पास है मैजिकल बुक। उसमें कुछ भी लिखते हैं तो गायब हो जाता है। हमारा शख्स सही है। आस्था सामान्य लड़की नहीं है। हम उसकी हकीकत सबके सामने लाकर ही रहेंगे। हो ना हो ये अमृता ही है जो नया रूप धरकर फिर से अर्जुन भाईसा को अपने जाल में फंसाना चाहती है। अमृता फिर से एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। पंडित जी इसे देखकर बताइए ना हमारा विवाह कब होगा। ये लीजिए हमारा इनके साथ विवाह होगा या नहीं ये जानने के लिए मुझे उस लड़के की भी कुंडली देखनी पड़ेगी। नाम क्या है उसका? इश पंडित जी आप पंडित होकर इतना भी नहीं जानते कि एक भारतीय नारी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती। हाँ तो कागज पे लिख के बता दीजिए। अरे पता होगा तब लिखेंगे ना। पता नहीं कहाँ रखा है उसने नाकाशी को। अगर मुझे पहले पता होता कि नाकाशी पाने के लिए अंबालिका को झेलना पड़ेगा तो मैं कभी यहां नहीं करता। मुझे देखते ही जोक की तरह चिपक जाती है। कैसे पीछा आपसे मिलना चाहते हैं। सुनिए जी हम आ रहे हैं। अगर कपड़े नहीं पहने तो पहन लीजिए।
आपको शर्म आए ना आए, लेकिन हमें ढेर सारी आती है। इनमें से नक्काशी कौन सी है मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा हम आ रहे हैं। अरे सुनिए, छुपा छिपी का खेल बाद में खेल लेंगे, चलिए ना, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अरे कहाँ है आप? चले गए, हमने तो जाते हुए देखा ही नहीं इनको। गायब हो गए, उड़ तो नहीं गए? उड़ गए होंगे कृष की तरह। आज हमारी याद कैसे आ गई? प्रणाम बाबा। जरूर कोई समस्या होगी तभी आई हो यहाँ। बाबा, अर्जुन भाई साहब एक आस्था नाम की लड़की से शादी करने वाले हैं, और हमें शक है कि वो जो दिखती है वो है नहीं। बाबा हमें आस्था की असलियत के बारे में जानना है, क्योंकि हमें शक है कि वो आस्था नहीं, अमृता है। जय महाकाल। कार्तिक, एक इच्छाधारी नागिन को कमजोर समझने की भूल कभी मत कर। नागिन, तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? हम यहां कनक की मदद करने आए। ओह, तो आज दुश्मन दोस्ती की जबान बोल रहा है। दोस्ती नहीं, सौदा। हम दोनों ही ये चाहते हैं कि आस्था की असलियत दुनिया के सामने आए। अगर साथ में रहेंगे तो काम और आसान हो जाएगा। लेकिन आप ही क्या दुश्मनी है आस्था से? जो भी अर्जुन की जिंदगी में हमारी जगह लेना चाहेगा वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, और ये हिमाकत आस्था ने की है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि अर्जुन की जिंदगी में आस्था रहे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हमें आस्था पर शक है? तुम भूल रही हो कनक, हमारे पास नागमणि है और उसकी सहायता से हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। भैरवनाथ, ये आस्था के पैर से छुई हुई मिट्टी है, इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आस्था की असलियत क्या है। वो वाकई एक नागिन है या फिर एक इंसान? नागिन, यदि इससे कनक का लाभ ना हो रहा होता तो हम तुम्हारी मदद कभी नहीं करते। आस्था का असली रूप यही है, ना ही ये नागिन है, और ना ही इसने अपना रूप बदला है। ये इसका असली रूप, नहीं, ये नहीं हो सकती। तुम हमारी सिद्धियों पर संदेह कर रही हो? ये आस्था ही है और कोई नहीं। लेकिन बाबा, कनक, तांत्रिक सही कह रहा है, फिर भी हमें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। आखिर हम यही चाहते हैं कि आस्था उस घर से बाहर हो जाए। नहीं, हमारा शक गलत नहीं हो सकता। हमने जो अपनी आंखों से देखा है वो गलत नहीं हो सकता। आस्था जो दिखती है वो है नहीं, और यही बात हमें दादी साहब को समझानी है। क्या सोच रही हो कनक? जब दुश्मन से फायदा हो रहा तो फायदा उठा लेना चाहिए। ठीक, लेकिन
हम सिर्फ आस्था की मदद करने तक तुम्हारे साथ हैं। ये मत समझ लेना कि उसके बाद हम तुम्हारी घर वापस आने में मदद करेंगे। वो हम खुद कर लेंगे कनक, उसके लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बाबा, आस्था की असलियत जानने का कौन सा तरीका हो सकता है? अभी बताते हैं। ये देखो कनक, ये चमत्कारी अंगूठी है, चमत्कारी। इसे पहनते ही आस्था अपने असली रूप में आ जाएगी। आज उसकी सगाई है ना, वहां बहुत सारे लोग होंगे, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा कनक।